हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2011 के अंदर पुटअप किया गया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। कहता है लेट एफ जी बी होलोमार्फिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए यूनियन डी, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है आपका ये सेट गिवन है एंड डी इज इक्वल टू आपका ये गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कहता है इफ एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए और जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकेंड के अंदर कहता है इफ एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन डी, डी आपका जो है सेट गिवन है, ठीक है, डोमेन से है, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी और जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। तीसरे ऑप्शन के अंदर कहता है इफ एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए और जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फोर्थ में कहता है इफ एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी और जी जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है एफ और जी आपका होलोमॉर्फिक किसके अंदर डिफाइंड किया है। पहले ए का सेट लिख लेते हैं, क्या है हमारा जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे सेट ए के अंदर जिसका जो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1 होगा। और जो आपका डी डिफाइंड किया गया है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो कि क्या करते हैं जेड माइनस टू का मॉड इज लेस देन 1। मीन्स ये क्या है दोनों के दोनों आपके क्या है ओपन सेट है। ठीक है, मीन्स किसका वर्क करेंगे डोमेन का वर्क करेंगे। अब यहाँ पे जो है ए यूनियन डी का अगर सेट लिखें ए यूनियन डी इज इक्वल टू इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे जो क्या करेंगे मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 एंड मॉड जेड माइनस टू लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एफ और जी क्या है होलोमार्फिक फंक्शन है। ठीक है, इस किसके ऊपर डिफाइंड किया गया है ए यूनियन डी के ऊपर डिफाइंड किया गया है। अगर हम एफ जेड इज इक्वल टू ले लें फंक्शन हमारा क्या है एनालिटिक है, होलोमार्फिक है मीन्स एनालिटिक है, किसके अंदर है डोमेन डी के अंदर है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलता है एफ नॉट इक्वल टू नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो हमारा फंक्शन जो है आइडेंटिकली इक्वल नहीं होगा जीरो के। कब जो है हमारा आइडेंटिकली जीरो के इक्वल नहीं होगा, जब इसके पास जो है मीन्स जो आपने फंक्शन होलोमार्फिक लिया है उसके पास जो है काउंटेबल मेनी जीरोज है तब वो जो फंक्शन होगा हमारा नॉट आइडेंटिकली इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, अगर हमारे जो फंक्शन हमने होलोमार्फिक लिया है उसके पास जो है अनकाउंटेबल मेनी जीरोज अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन ही आइडेंटिकली इक्वल जीरो रहा होगा, तभी जो है ये पॉसिबल है, अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर एफ नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो इसका मतलब जो है एफ जेड हैज काउंटेबल मेनी जीरोज। ठीक है, इसके पास जो जीरोज है वो कितने हैं काउंटेबल मेनी है। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर जो है हमारा फंक्शन एफ आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो आ जाता है इसका मतलब जो है ये फंक्शन हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसके पास जीरोज कितने हो जाएंगे जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता रहेगा इसलिए इसके पास जीरोज कितने हो जाएंगे अनकाउंटेबल मेनी जीरोज हो जाएंगे। इसी रिजल्ट का इसी थ्योरम का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाते हैं ऑप्शनों के ऊपर। कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो आपने एफ जेड लिया है और जो आपने जेड जी जेड लिया है उसका प्रोडक्ट जो है जीरो है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो या फिर जो है जी जेड इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है जब दो नंबरों की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होती है तो वहां पे जो है हमारा पहला नंबर जो है या तो जीरो के इक्वल होता है या तो हमारा दूसरा नंबर जीरो के इक्वल आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कहता है ये जो प्रोडक्ट है किसके ऊपर डिफाइंड किया गया है, जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी के ऊपर। कहता है देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड बिलोंग्स टू ए एंड, या फिर जो है आपका जी जेड इज इक्वल टू जीरो है, और ये जो जेड है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम ड्रा भी कर सकते हैं ग्राफ, इसलिए जो है हम ग्राफ पे नहीं जाना चाहेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एफ जेड जी जेड का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो है। मीन्स अगर हम ये ले लें जो हमारा एफ जेड है वो किसके इक्वल है, जीरो के, और जो हमारा जी जेड है वो किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है, दोनों के दोनों जीरो के इक्वल है। और यहाँ पे जो है या तो एक को वन ले लीजिए या एक को जीरो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने दोनों को ले लिया जीरो, दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, यहाँ पे एफ जेड क्या है, जीरो, किसके अंदर जो है, जेड की बिलोंग्स टू ए के अंदर। या तो आपकी ये कंडीशन को होल्ड करे या तो आपके इस कंडीशन को होल्ड करे, दोनों में से एक कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब जो है ये एग्जाम्पल हमने उठाया और ये कर कर गया आपके फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर गया। एफ जेड यहाँ पे जीरो है, किसके अंदर, जेड बिलोंग्स टू ए के अंदर। ठीक है, इसलिए आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर। कहता है इसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। जेड आपका कहाँ से बिलोंग करता है, डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ से बिलोंग करता है, इसका मतलब जो है फिर भी हम लेंगे क्या, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है एफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फॉर ऑल जेड जो है आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन डी से बिलोंग करेगा। या फिर जो आपका अगर जी जेड जीरो है वो जेड भी आपके डोमेन से ही बिलोंग करेगा। यस, सही बात है, इससे ही करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है जेड माइनस टू का जो मॉड है वो लेस देन वन है। इसका ग्राफ बना देते हैं, पहले वाले का देखिए, ए का बनाते हैं, डी का और ए यूनियन डी का। ए का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/2, लेस देन जीरो पे जो है बनानी है। इसको ले लेते हैं एक बार मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/2, और एक बार ले लेते हैं मॉड जेड इज लेस देन वन। ठीक है, जब हम करेंगे मॉड जेड इज लेस देन वन, उस केस में जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर होता है। ये हमारी क्या होती है, सेंटर होता है, और जो हमारा आर है वो क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो है इसकी रेडियस क्या है, जीरो है, और यहाँ पे रेडियस क्या है, 1/2, सेंटर इसका क्या है, जीरो है। दोनों के दोनों जो सर्किल बनाए जाएंगे उनकी जो है सेंटर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये क्या है, 1/2 से ग्रेटर है, और ये जो है रेडियस 1 से लेस है। ठीक है, अब 1/2 से ग्रेटर, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, -1/2, और यहाँ पे मिलेगा 1/2। अब यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ पे हमें जो है बाउंड्री नहीं लेनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉटेड से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो जेड का मॉड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। अब इसके लिए भी बना देते हैं, मॉड जेड इज लेस देन वन। अब इसकी जो बाउंड्री है वो एक से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसको मान लीजिए वन, इसको मान लीजिए -1। अब इसको भी बनाना है तो इसको भी डॉटेड ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी बाउंड्री कंटेंड नहीं है। ठीक है, बाउंड्री को हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, मीन्स हमारा रीजन जो है ए के अंदर क्या है, ये हमारा रीजन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री को टच नहीं करेगा। ये हमारा जो है ए सेट बन के तैयार हो गया है। अब जो है हमें डी गिवन है, उसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। जो हमारा डी है, इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, जेड माइनस टू का जो मॉड है वो किससे लेस है, वन से लेस है। ठीक है, अब डी का जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जेड माइनस टू, यहाँ पे सेंटर किस पे बनानी है, टू पे बनानी है। ये हमारा हो जाएगा वन, ये हमारा हो जाएगा टू। टू पे खड़े होकर के कितने रेडियस का बनाना है, वन रेडियस का सर्कल बनाना है, और बाउंड्री को हमें नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारी सर्कल बन के तैयार हो जाएगी।
ये हमारी सर्कल हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसका मतलब जो है इसके अंदर कौन कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ए यूनियन डी इन दोनों को जो है करने वाला, मीन्स इसका भी और इसका भी लेना है। यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों की क्या है, जीरो है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी देन आइदर, अगर जेड आपका कहाँ से बिलोंग करता है, इस सेट के अंदर से बिलोंग करता है, तो आपका जो है यह फंक्शन जो है जेड एफ जेड वो क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू इसके अंदर से, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी से, या फिर जो है आपके जब जी जेड जीरो होगा वो भी आपके कहाँ से बिलोंग करेगा, इसके अंदर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर जो है दोनों की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, जेड आपका जो है इन दोनों के यूनियन से बिलोंग करता है, तो एफ जेड आपका जीरो होगा। जहां पे जो जेड है या तो ये से बिलोंग करेगा, या फिर जो है आपका फंक्शन जी जेड जब जीरो हो जाएगा फिर भी वो किससे बिलोंग करता रहेगा, इससे बिलोंग करता रहेगा। यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमारा दो फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब जो है जो आपका जेड है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन से बिलोंग करेगा, मीन्स इस डी से बिलोंग करेगा। तो उस केस में जो हमारा एफ जेड है वो जीरो हो जाएगा। जहाँ पे जो जेड है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, डी से बिलोंग करेगा, या फिर जो है हम जी जेड इजिक्वल्स टू जीरो करेंगे, उस केस में भी जो हमारा जेड पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन से ही बिलोंग करेगा। और यहाँ से जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो है इन दोनों की प्रोडक्ट, मीन्स एफ जेड फंक्शन यहाँ का है, एफ जेड हमने फंक्शन लिया और जो है हमने फंक्शन लिया है जी जेड, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आती है, फिर से जीरो आती है, और जो आपके पॉइंट है क्या, जो आपके पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर ए से बिलोंग करते हैं, उस केस में जो आपका फंक्शन है वो जीरो के इक्वल होगा। जेड कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, और जो आपका जी जेड है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा, और वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इस ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसलिए जो है आपका तीसरा ऑप्शन भी सही ऑप्शन हो जाएगा। अब फोर्थ के अंदर कहता है कि एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, जो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, और जो आपका पॉइंट जेड है वो कहाँ से बिलोंग करता है, ए यूनियन डी से बिलोंग करता है आपका, ठीक है। मीन्स इसका भी और इसका, इन दोनों का जो है यूनियन के अंदर जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो आपका फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल जेड जो है आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, ए यूनियन डी से, ठीक है। जेड आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, ये यूनियन डी से, जी नहीं, ऐसा आप फंक्शन नहीं बना सकते। जेड जो है आपका अगर ए से कहता या फिर डी से कहता, तो उस केस में जो है आपका सही ऑप्शन हो जाता। बट यहाँ पे जो है कहता है कि जो फंक्शन है आइदर एफ जेड आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड बिलोंग करेगा ए यूनियन डी से, जी नहीं, ए यूनियन डी से ये बिलोंग नहीं करेगा। और जो जी जेड है वो किसके इक्वल है, जीरो के, और यहाँ पे भी जो जेड है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, ए यूनियन डी से, हम ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ए से पार्टिकुलर बोलता या फिर डी से बोलता या फिर जो है ए से बोलता दोनों के दोनों केस में, या फिर दोनों के दोनों केस में डी से बोलता, और यहाँ पे जो है एक बार यहाँ से कर देता, फिर भी हम तीनों के तीनों ऑप्शन को सही करेंगे। बट यहाँ पे अगर जो है दो की प्रोडक्ट जीरो है और जो पॉइंट है आपका इसके यूनियन से है, तो यहाँ पे एफ जेड इजिक्वल टू जीरो अगर कहा है, तो जेड आपका ए यूनियन डी से बिलोंग करे ये नहीं हो सकता है, या फिर जो आपका जी जेड है वो जीरो के इक्वल है, और जो जेड है आपका ए यूनियन डी से बिलोंग नहीं करेगा, हम ऐसा फंक्शन नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों के यूनियन के अंदर कौन से पॉइंट जाएंगे, इन दोनों के यूनियन के अंदर कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, ये तो 1/2 है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 के बाहर ये सारे पॉइंट गए हैं, इसका मतलब जो है हम ये इसके अंदर का पॉइंट उठा सकते हैं और इसके अंदर का पॉइंट उठा सकते हैं, और ये क्या है, हर एक के लिए जीरो है। एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो, फॉर ऑल जेड जो है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। इसलिए जो है आप यूनियन के अंदर जो है बिलोंग करने वाला ऐसा एफ जेड नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है आपका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।